नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए मैं भी दिखाती हूँ प्याज की पकौड़ी बना के। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ बना के आपको प्याज की पकौड़ी। ये देखिए बहुत ही क्रंची पकौड़ी मैं बना के दिखाऊंगी आपको और बहुत ही टेस्टी दिखाऊंगी। चाय और पकौड़ी आपको बना के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे नाश्ता है। और मॉर्निंग में आप दीजिए बच्चों को भी बड़ों को भी, बहुत ही अच्छा है नाश्ता ये, एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए मेरे प्याज हैं, हरी मिर्च है, प्याज आपको ज़्यादा लेना है और हरी मिर्च प्याज लंबे लंबे आपको काटना है। तो ऐसे ही सारे प्याज को आप कट कर लीजिए। मिर्च भी आपको काट लेना है ऐसे ही। तो सारी मिर्च और प्याज कट करके प्याज आपको ज़्यादा डालना है, लंबे आकार में आपको काटना है। तो ये देखिए हमारे एक कटोरी बेसन है, ये हल्दी मिर्च सारे में डाल ली और सब मिला लूँगी मैं इसी में। और पानी बिल्कुल एक चम्मच डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि क्रंची पकौड़ी के लिए एकदम देखिए परफेक्ट मैं मिला ली। ये देखिए कितने अच्छे से मिल गए। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी मैं। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से ये देखिए हो गए। आइए मैं दिखाती हूँ बना के आपको। और तेल भी गर्म हो गया और एकदम बिल्कुल धीमे आंच में आपको पकाना है। धीमे आंच में अगर आप पकाती हैं तो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा, ज़्यादा क्रंची बनेगा। तो आपको बिल्कुल गैस को एकदम धीमा रखना है आपको। जल्दीबाजी में आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल धीमे आंच में बनाना है। तो ये देखिए मैं बना के आगे दिखाती हूँ। ये नाश्ता आपको मॉर्निंग में भी देना है, इवनिंग में भी देना है। कोई अगर आ गया गेस्ट तो आप जल्दी से बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे कलर आ गए, एकदम सुनहरा कलर आ गया। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे कलर आ गए। अब फिर मैं दूसरा डालती हूँ। ऐसे ही सबको सब बनाना है आपको। तेल भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता, कम तेल में भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए कितने अच्छे कलर आ गए। अगर ये देखिए सारे में निकाल ली, बहुत अच्छे कलर हैं। तो आप ऐसे ही बना के देखिए ये कितने अच्छे कलर हैं, बहुत ही क्रंची है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो इतने अच्छे कलर में सारे एक कलर के निकाल ली। तो चाय के साथ आप दीजिए, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, बहुत अच्छा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और लाइक भी करें। ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया और इसको मैं परोसती हूँ चाय के साथ। मैं दूँगी ये चाय भी मेरी बन गई और पकौड़ी भी ये रेडी हो गई। तो देखिए आप इसी तरह बनाइए। ये देखिए मैं इसमें थोड़ी हरी धनिया डाल दी थी, ऊपर से हरी धनिया डाल दी। ये देखिए पकौड़ी मेरी तैयार हो गई प्याज की। देखिए कितने अच्छे कलर आए, बहुत ही अच्छे कलर आए, बहुत ही सुनहरे कलर हैं। तो ये देखिए मेरा चाय भी मेरी बन गई, पकौड़ी भी। तो आप भी प्लीज़ ऐसे ही बनाइए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और आप भी ऐसे ही बनाइए अपने घर में, बच्चों को भी खिलाइए, बड़ों को भी खिलाइए, बहुत ही पसंद करेंगे लोग।
ये देखिए बन गए हमारी पकौड़ी बन गई।